हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोग जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 अनुपात और समानुपात को। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पढ़ा था एचडी यादव बुक का, आज हम लोग अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे। बीच का जो भी प्रश्न, जो भी चैप्टर, मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि मैंने देखा है कि नंबर सिस्टम में लड़के लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, व्यूज उतना आ नहीं रहा है। तो मैं सोचा कि चलो डायरेक्ट लैंग्वेज वाले प्रश्न से ही स्टार्ट किया जाए। तो अनुपात समानुपात से मैं स्टार्ट करूंगा, इसके बाद कंटिन्यू जो भी चैप्टर होंगे उसको कराता जाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एचडी यादव बुक के सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एचडी यादव बुक का अनुपात समानुपात। पहले तो इसके अनुपात समानुपात का कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात, अनुपात का चिन्ह जो होता है कैसा है, तो अनुपात हम लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, ये अनुपात का सैंपल होता है, ठीक है। और समानुपात किसको कहते हैं, इस प्रकार के सैंपल कहते हैं हम लोग समानुपात। यदि जैसे कि आपका एक प्रश्न दे दे कि ए अनुपात बी समानुपात, इसको कहते हैं सी अनुपात डी। इसमें देखिए ए बी अनुपात में और सी डी अनुपात में, और बीच में जो है ये समानुपात है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अनुपात समानुपात का पहचान क्या है, सो समझ गए होंगे। अगर आपको ए और बी कहा जाए कि देखिए, कुछ बेसिक में बता देता हूं उस वीडियो में थोड़ा सा। तो यदि ए रेशियो बी कहे तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए रेशियो बी कहे तो ए बट्टा बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है, देखिए इसमें आता है मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात क्या होता है, ठीक है। मध्य अनुपात कैसे निकलता है, तो देखिए मध्य अनुपात का जो रेशियो बनेगा, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, बी रेशियो सी। देखिए तो इसमें क्या होता है, देखिए इस दोनों को आपस में गुणा करते हैं। फॉर्मूला होता है बाहरी राशियों का गुणनफल इनटू आंतरिक राशियों का गुणनफल। तो बाहरी राशियों का गुणनफल इनटू आंतरिक बी, बी को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और बराबर ए सी। यहां से बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी। आपको अगर पूछे कि मध्य अनुपाती निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बी बराबर रूट अंडर ए सी कर देंगे, ठीक है। तो मध्य अनुपाती निकल जाएगा। अब पूछता है तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो देखिएगा, तृतीय अनुपाती होता है एक चतुर्थ अनुपाती होता है। तो चतुर्थ अनुपाती तृतीय अनुपाती ये सब निकालने के लिए जो होता है वो बता देते हैं, ठीक है। तो तृतीय निकालते हैं, तो देखिएगा तृतीय के बारे में, तृतीय अनुपात, ठीक है। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, देखिए ए रेशियो बी समानुपात बी, सॉरी यहां पे बी नहीं हुआ, तृतीय ना निकालना है तो सी रेशियो डी, ठीक है, सी रेशियो डी। तो क्या होता है फॉर्मूला, बाहरी राशियों का गुणनफल। तो बाहरी राशि क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक राशियों का गुणनफल यानी बी सी। हमको क्या निकालना, तृतीय। तृतीय कौन होता है, ये होता है, देखिए ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तृतीय क्या है, सी। यहां से सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी, ठीक है। तो ये तृतीय निकल गया। यही से अगर आपको चतुर्थ अनुपात क्या निकालने के लिए, चतुर्थ, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो यहां से हम लोग अगर डी निकालते, ये डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी सी बाई ए, ठीक है। तो यही आपका कुछ बेसिक है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, ठीक है। बाहरी राशियों का गुणनफल, बाहरी राशियों का गुणनफल, का गुणनफल बराबर होता है
आंतरिक राशियों का गुणनफल, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं आंतरिक राशियों का, ठीक है। बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, इससे ज्यादा अनुपात समानुपात में होता कुछ नहीं है। जैसे मैं प्रश्न में आएगा, जो भी प्रश्न आएगा, जो भी होगा, वो मैं प्रश्न से अब कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पे, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। तो हम लोग आ गए हैं प्रश्न पे, प्रश्न एक देखिए क्या कहता है, समानुपाती पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। ये समानुपाती पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न एक है, यदि ए बी बी सी सी बी सी और एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है तो उनमें से कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट किया है कि ए बी है रेशियो है, फिर बी सी समानुपात एक्स रेशियो सी स्क्वायर। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, बाहरी राशियों का गुणनफल। तो बाहरी कौन हो जाएगा, ये दोनों बाहरी राशि हो गया, और आंतरिक मतलब ये दोनों, ठीक है। तो बाहरी राशियों का गुणनफल करेंगे तो ए बी इंटू में सी स्क्वायर बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, आंतरिक क्या है बी सी इंटू में एक्स। हमको निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू, यहाँ देखिए ये एक्स, तो एक्स निकालेंगे तो ये बी सी कहाँ चला जाएगा, ए बी इंटू में सी स्क्वायर के बट्टा में चल जाएगा बी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ सी दो गो है तो ये वो सी से वो सी कट गया और बी से बी कट गया, तो बचा क्या ए सी। देखिए ऑप्शन में ए सी है क्या, तो आपको एक नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा ए सी, सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, दो नंबर देखिए क्या कहता है, यदि 1.2:3.9 समानुपात 2:1 जब एक से लेकर बना लीजिए तो क्या होता है, 1.2:3.9 समानुपात 2:1 वाट की जगह पे एक से ले लेते हैं। तो उसी प्रकार बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, तो आंतरिक राशि क्या, बाहरी राशि क्या है 1.2 और इंटू में x बराबर आंतरिक क्या हो जाएगा 3.9 इंटू में 2, यहां से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3.9 गुना में 2 अब बट्टा में क्या आ जाएगा 1.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो से काटेंगे तो 6 × 12, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 3 से काटेंगे 3 × 6 ऊपर में 3 से काटेंगे 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, तो आया कितना 13/2, 13/2 का मान कितना हो जाएगा 6 × 12 = 6.5, ठीक है, सो राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में 6.5 आपको नजर आ रहा होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, तीन नंबर देखिए क्या कहता है, यदि 5:8 बराबर है 150:x, तो x का वैल्यू क्या, ये जो बराबर है ना इसको हम समानुपात कह सकते हैं, ठीक है, बराबर को हम लोग समानुपात बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार आप कर लीजिए बाहरी राशियों का गुणनफल, तो बाहरी राशि इसमें क्या हो जाएगा 5 और x, और आंतरिक क्या हो जाएगा 8 और 150, तो बाहरी राशि हो गया 5 × x बराबर आंतरिक राशि क्या हो जाएगा 8 × 150, 5 से काटेंगे 150 30 बार में, तो 30 अटे कितना होता है 8 × 3 = 24, 240, तो x का मान कितना हो गया 240। देखिए ऑप्शन में 240, तो आपको दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चार नंबर देखिए क्या कहता है, 8:25 समानुपात 56:1 सब सेम साइज प्रश्न है, ताकि आपको अच्छे से रिविजन हो जाए, इसलिए ये बुक में ऐसा प्रश्न एक लाइन से वैसे ही टाइप के प्रश्न डाला है, ठीक है। तो प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो बाहरी राशि क्या हो जाएगा 8 × x बराबर 25 × 56, ठीक है, 8 से काटेंगे तो 8 × 56, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 25 × 7 कितना आता है 175, सो राइट आंसर क्या हो गया 175, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांच नंबर देखिए क्या कहता है, 5:8 समानुपात 15:8 की जगह पे x डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 × x बराबर 8 × 15, 5 से काट लीजिए 15 तीन बार में, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 8 × 3 = 24, देख रहे होंगे कि कितना आसानी से आपका बन रहा है, ठीक है।
तो क्या हो गया सी नंबर ऑप्शन। क्या होता है बाहरी राशियों का गुणनफल, तो बाहरी राशि क्या हो जाएगा 5 और 1 और आंतरिक क्या हो जाएगा 8 और 15। ठीक है आगे बढ़ते हैं 6 नंबर देखिए क्या कहता है। यदि √2 ratio 1+√3 समानुपात √6 ratio x तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रूट देखकर डर जाते हैं, दशमलव देखकर डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, बहुत ही आसानी ये सब प्रश्न होता है। ठीक है तो देखिए उसी प्रकार करेंगे बाहरी राशियों का गुणनफल, तो बाहरी राशि ये है और x है तो क्या हो जाएगा √2 × x बराबर आंतरिक राशि क्या है 1+√3 और इंटू में √6 है तो √6। ठीक है करना कुछ नहीं है, देखिए √2 × x बराबर देखिए ये जो आएगा √2 √2 बट्टा में जाएगा तो x बराबर क्या निकल जाएगा। देखिए यहाँ से इस √2 को हम हटा देते हैं और बट्टा में ले आते सीधा। ठीक है तो क्या होता है सो देखिए 1+√3 × √6 अब y में √2। देखिए ये √√ में है तो कटेगा, 2 से 6 कितना बार में कटता है 3 बार में, तो क्या हो गया √3 और इंटू में क्या हो जाएगा 1+√3। अब देखिए √3 को कौन से गुना करेंगे तो √3 + √3 × √3 कितना हो जाएगा √3 × √3। देखिए यहाँ पे एक चीज समझाते हैं, अगर √3 × √3 तो √3 √3 कितना जाएगा √9 होगा, √9 का वैल्यू होता है 3, या फिर 2 को √ में है वैल्यू तो 1 को √ से बाहर निकल जाएगा 3। ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो √3 + 3 देखिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन। ठीक है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 7 नंबर देखिए क्या है। a ratio b ratio c = 1 ratio 3 √3 ratio 2 है, यदि c = 4 हो तो b = क्या होगा। देखिए a ratio b ratio c = क्या दिए हुए 1 ratio √3 ratio 2। ठीक है c = कहता है कि 4 है, यानी c का जो वैल्यू है वो 4 है, तो b का वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जहां c दिख रहा है आप वहां पे डाल दीजिए 4, तो a रहेगा ही b रहेगा ही, c के जगह पे कितना डालना है 4 बराबर क्या हो गया 1 ratio √3 ratio 2। ठीक है अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए तो हमको b का वैल्यू पूछा है ना, तो इस दोनों में हम लोग काम करेंगे। ठीक है तो b ratio 4 बराबर क्या हो जाएगा √3 ratio 2, तो b ratio 4 बराबर √3 ratio 2। देखिए 4 लिखना हमने c लिख दिया सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है 4। ठीक है तो देखिए फिर उसी प्रकार आप कर सकते हैं बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, तो बाहरी राशि का होगा तो 2b हो जाएगा और आंतरिक राशि का क्या हो जाएगा √3 × 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो b कितना निकल गया 2√3। देखिए ऑप्शन में 2√3 है क्या, तो आपको दिख रहा होगा 2√3 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है समझ गए होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर देखिए क्या कहता है। 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा संख्या हुआ, तीसरा बताना है, यानी 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात होगा, फिर क्या हो जाएगा 0.2 लिखाएगा इनटू में रेशियो, तीसरा बताना तो तीसरा क्या हो जाएगा x। देखिए उसमें तीन ही टर्म होना चाहिए, तो देखिए एक टर्म, ये 2 टर्म हो गया दोनों मिलाकर क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, और ये तीसरा टर्म, तो फिर उसी प्रकार इसमें कर लीजिए बाहरी का गुणनफल इंटू आंतरिक का गुणनफल, तो 0.8 इंटू में x बराबर 0.2 गुना में 0.2। देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 10 और इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 10, फिर इसको हटाइएगा तो नीचे में 10। ठीक है 10 से 10 कट गया, देखिए 2 और 2 4 होता है, 4 × 8 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 तो है ही, और ये 2/2 में आएगा तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा 0.05। आप इसको जब भाग कीजिएगा तो आएगा 0.05, देखिए ऑप्शन में 0.05।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा? सेम प्रश्न है, तो 12:18 समानुपात, फिर 18:x, तो बाहरी का गुणनफल, तो 12 × x बराबर आंतरिक का गुणनफल, यानी 18 × 18 एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 × 18 / 12 6 × 12 = 18 दूसरे काटेंगे 6 बार में, तो 6 × 3 कितना हो गया 18। दूसरे काटेंगे 9 बार में होता है, दूसरे काटेंगे 9 × 18 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। देख लीजिए ऑप्शन में 27 है क्या, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, दूसरे कटेगा 9 बार में 9 × 3 = 27 समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि एक स्कूल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:2। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितना होगा? देखिए क्या क्या दिए हुए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना है 5:2, चौड़ाई कितना है 2। अब कहता है चौड़ाई 40 मीटर है, तो चौड़ाई का यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना है 40, तो हमसे पूछा है लंबाई, लंबाई का यूनिट है 5 यूनिट, तो इसको आराम से इस प्रकार आप कर सकते हैं कि 2 = 40 के, 2 यूनिट = 40 के, तो 5 यूनिट = कितना हो जाएगा एक्स, तो यहाँ से एक्स निकाल दीजिए, एक्स बराबर क्या हो गया 40 × 5/2। दूसरे 40 काटेंगे 20 बार में, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, तो चौड़ाई जो लंबाई जो हो जाएगा कितना मीटर होगा 100 मीटर। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे कि 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 40 होगा, तो 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 40 होगा, तो 20 से, 20 × 40, तो 20 से फिर 5 में गुणा कर दीजिए, तो 20 × 5 कितना होता है 100। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 11 देखिए क्या कहता है, 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा? क्या क्या है, 12:16 समानुपात 18:4 को मान लेते एक्स, तो उसी प्रकार कर लीजिए 12 बाहरी राशियों का गुणनफल, तो बाहरी में क्या है 12 × x बराबर आंतरिक में क्या है 16 × 18, एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16 × 18 / 12, 6 × 12 = 9 × 18, 2 × 8 = 16, 9 × 8 कितना होता है 9 × 8 देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया काटने में, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हुआ है सो देख लीजिए, कितना हो जाएगा 16 × 18 / 12, 6 × 12 तो 6 × 3 = 18, 2 से काटेंगे तो 8 × 16, 8 × 3 कितना होता है 24, सो राइट आंसर क्या होगा 24। ठीक है, उस टाइम थोड़ा काटने में दिक्कत हो गया था। ठीक है, देखिए 24 है क्या ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 देखिए क्या कहता है कि 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती का क्या मतलब है कि 0.02 अनुपात क्या हो जाएगा 0.32 का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, बी बराबर √AC, तो इस दोनों को रूट में डाल दीजिए, यानी 0.02 × 0.32। फॉर्मूला शुरू में लिखवाए थे, फर्स्ट जो स्टार्ट किए थे शुरू में ही, कि मध्य अनुपाती निकालना हो तो √AC करेंगे, ये A हुआ ये C हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको बताते हैं, इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 1/2 हो 0 और इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 1/2 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, √32 कितना होता है 64 और बट्टा में 100 है और गुना में 100 है, तो देखिए 64 होता है 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का स्क्वायर रूट क्यों निकलेगा 8, 100 का 10 निकलेगा, फिर 100 का 10 निकलेगा, तो 10 गुना में 10,
यानी दो अंक के पहले दशमलव में, तो 0.08 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13 देखिए क्या है, 8 तथा 18 का मध्य अनुपात, उसी प्रकार बी निकालना होगा, तो रूट अंडर ए सी, यानी कि 8 रूट 18। तो देखिए रूट अंडर 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 2, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 2। ठीक है, अब देखिए रूट से बाहर कौन कौन वैल्यू निकलेगा, आप तो देखिए 4 का रूट निकलता है 2, एगो 2 यहाँ, एगो 2 यहाँ, तो बाहर में क्या गो 2 निकलेगा, एगो 2, और रूट अंडर 9 का मान होता है 3, तो सबको गुना कर दीजिए, 3 दुना 6 दुना 12। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। देखिए क्या कहता है, 14 नंबर कहता है कि 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी कि डी निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होगा, बी सी बाई ए, तो बी क्या हो जाएगा, 0.21 इंटू में सी हो जाएगा 8 और बाई ए कितना है, 0.12। ठीक है, देखिए डी बराबर हमने फर्स्ट में ही लिखवाया था, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए। ठीक है, उसी प्रकार कर दिए हैं, तो देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में एक पर डबल जीरो, और फिर इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में एक पर डबल जीरो, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 4 3 12 और 4 × 8, 3 से काटेंगे तो 7 3 21, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। सो राइट आंसर क्या हो गया, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अनुपातों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ थोड़ा अच्छा प्रश्न आएगा, 15 नंबर है, यदि सी बराबर सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, देखिएगा क्या कहता है कि सी का मतलब होता है गुना, 0.6 बराबर बी का मतलब गुना 75, ठीक है, प्रतिशत है तो प्रतिशत, बराबर ए का मतलब 1/3, हमको ए बी सी रेशियो निकालना है। ठीक है, ए बी सी निकालना, तो कैसे निकलेगा, यदि आप लोगों को जिसको आता है उसको बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को लिखेंगे, ठीक है, इस दोनों में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी गुना में 0.6 बराबर बी गुना में 75, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब होता है क्या, देखिए कटने वाला है तो काट लेंगे बराबर में, ऊपर ऊपर कटेगा नीचे नीचे कटेगा, देखिए 3 × 6 और यहाँ पे काटेंगे 25 3 75। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 5 4 25 और 5 × 10, ठीक है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ चलाएगा, तो सी गुना में 2 पहले से और 2 यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो गया, 4 बराबर बी गुना में 5। तो देखिए सी का जो वैल्यू होगा, देखिए सी का वैल्यू कौन होगा, जो बी का कोफिशियंट होगा, सी का वैल्यू कौन होगा, जो बी का कोफिशियंट होगा, तो बी का कोफिशियंट कितना है, 5, तो सी के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, 5। ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ए का सी का कोफिशियंट होगा, तो 4 है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इतना का इस दोनों का निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों रेशियो में लेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो इस दोनों में लेंगे, तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं, तो बी का 75 है, 75 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर ए का 1/3। ठीक है, अब देखिए 25 3 25 4 क्रॉस गुना हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, बी गुना में 3 और 3 3 9 बराबर 4 × a, तो देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो बी का कोफिशियंट है, तो ए कितना हो जाएगा, 9, और बी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, फिर ए बराबर 9, तो बी बराबर क्या डालना है, 4, तो 4 यहाँ पे
और ए बराबर क्या डालना है, 9, तो 9 यहाँ पे, ठीक है। बस इसी रेशियो को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे होता है रेशियो आपको पता होगा, अगर यहाँ पे खाली जगह है तो ये वाला संख्या उठ के इधर आएगा 4, और यहाँ खाली जगह है तो ये वाला उठ के आएगा यहाँ 4, ठीक है। 9 चौका कितना होता है, देखिए इसको थोड़ा सा घेर देते हैं, 9 चौका 36, 4 चौका 16, 5 चौका 20। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, तो देख लीजिए कटने वाला है क्या, 2 से सब कट जाएगा, 18 दूना 36, 8 दूना 16, 10 दूना 20, फिर 2 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8, और ये 5 दूना 10। तो ए बी सी रेशियो कितना आ गया, 9 4 5। देखिए 9 4 5 आपको ऑप्शन में है क्या, तो आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, 9 4 5, ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, यदि 3x-y रेशियो x+5y बराबर 5:7 हो, तो x+y रेशियो x-y का मान क्या होगा। आपको इसमें क्या करना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा इस दोनों इक्वेशन से, और यहाँ पे x के जगह पे x का 3x-y बट्टा में क्या हो जाएगा, x+5y रेशियो में है तो बट्टा में लिख सकते हैं बराबर 5/7, बराबर में है तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 21x-7y बराबर 5x+50 25y। तो x वाला को एक साइड कर लेते हैं, y वाला को एक साइड, तो 21x अब माइनस में 5x हो जाएगा इधर आएगा तो, और यहाँ पे 25x है और प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में 7x, तो देखिए 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 16x बराबर 25 7 कितना होता है 32। देखिए इधर y था, ठीक है, इधर y था, ये सॉरी ये y था, तो 32y हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा जो y का कोफिशियंट है 32, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा जो x का कोफिशियंट है 16। अब देखिए ये दोनों रेशियो में आएगा, कटने वाला है तो काट दीजिए, 16 1 16, 16 2 32, यानी कि x निकल गया 2, y निकल गया 1। अब हमको किसका पुट करना है, तो देखिए x+y, x कितना निकाला है 2 और y कितना है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 में से 1 हटेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 3:1 देखिए सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17 देखिए क्या कहता है, कि यदि 5x²-3y² रेशियो xy बराबर 11:2 हो, तो xy का धनात्मक मान कितना होगा, धनात्मक मान बताना है, ठीक है। तो देखिए गाइस इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो 5x²-3y² बराबर है 11 और x(y) बराबर है 2, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, और देखिए 5x²-3y² अब बट्टा में 11 कर सकते हैं बराबर x(y)/2, ठीक है। अब क्रॉस गुना अगर कर लेते हैं बराबर में, तो क्या होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 5 × 10 x²-3 × 6 y² बराबर 11 xy, ठीक है। अगर सबको एक साइड में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x²-6y²-11xy बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, देखिए आगे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10x²-6y²-11 को क्या लिख सकते हैं, 15xy+ अगर 4xy घटाएंगे तो 11 आ जाएगा ना, देखिए 15 में से 4 जाएगा तो 11 आ जाएगा। अब देखिए कॉमन निकालिए, इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5x, तो इसमें क्या बचेगा, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 2 और x, और इसमें से निकालने हैं तो 5 3 15, और x निकल गया तो क्या बचेगा y, और माइनस में इसमें से और इसमें से अब निकालते हैं तो क्या आएगा, कितना कॉमन निकाल सकते हैं 2y, तो कितना आ जाएगा 2y कॉमन निकालेंगे तो 3y माइनस में क्या हो जाएगा 3y
और देखिए प्लस टू वाई निकालते हैं, ठीक है, प्लस टू वाई तो टू वाई निकलेगा, तो दू से दू कट जाएगा, यानी कि टू एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, टू एक्स, ये टू एक्स, अब माइनस में क्या आएगा, इसमें से टू को भाग करेंगे तो तीन बार में, और वाई है तो वाई बराबर हो गया जीरो। अब देखिए एक बार क्या लेंगे कॉमन, ये कॉमन हो जाएगा एक बार, ठीक है, तो टू एक्स माइनस थ्री वाई और हो जाएगा क्या, फाइव एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो। तो देखिए जो प्लस वाला होगा वो माइनस वैल्यू देगा, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि धनात्मक मान लेना है, तो धनात्मक मान कौन देगा, ये वाला, तो इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर जीरो, तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा थ्री वाई, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जो वाई का कोएफिशिएंट है थ्री, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जो एक्स का कोएफिशिएंट है टू, तो क्या हो गया थ्री और रेशियो टू। हमसे क्या पूछा है एक्स वाई वाई, यानी किसी को थ्री को ऊपर टू को नीचे कर दीजिए, तो थ्री बाई टू हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 18 नंबर देखिए क्या कहता है, इसे सरल बनाइए, ठीक है, तीन दूना छः एक सात बट्टा तीन, रेशियो छः चार तीन बारह एक तेरह बट्टा चार, रेशियो पूर्णांक को तोड़ रहे हैं, ठीक है, छः एकम छः एक सात बट्टा छ। जब भी आपको अनुपात बट्टा वाला हो तो हर का एलसीएम लीजिएगा, हर का एलसीएम, एलसीएम कितना कितना है, तीन है चार है छ है, एलसीएम कितना आ जाएगा, दो से काटेंगे तीन दो तीन, फिर तीन से काटेंगे एक दो एक, तीन दूना छ दूना बारह, एलसीएम कितना आ गया बारह। हमको आपको निकालने तो आता ही होगा एलसीएम, ठीक है, इस मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो सबको 12 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, करना कुछ नहीं है, सबको आप 12 से गुना कर दीजिएगा, 7 बट्टा 3 गुना में 12, फिर 13 बट्टा 4 गुना में 12, फिर 7 बट्टा 6 गुना में 12, देखिए सब कटने वाला होगा नीचे से, 3 चौका 12 4 बारह छ दूना बारह, तो सबको गुना कर दीजिए, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 7 चौक 28, रेशियो 13 तियाई 39, 7 दूना 14, तो 28 39 14, देखिए कहाँ है ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन 28 39 14, ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19 देखिए क्या कहता है, यदि ए का 2 बट्टा 3 भाग बी के 5 4 बट्टा 5 भाग के बराबर हो तो ए और बी क्या होगा, तो देखिए कहता है कि ए का 2 बट्टा 3 बराबर है बी के 4 बट्टा 5 के, ठीक है, तो बराबर है तो बराबर कर दिए, तो बराबर में क्या होता है क्रॉस गुना होता है, ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए गुना में 5 गुना 10 बराबर, बी गुना में 4 तिहाई 12, तो ए का वैल्यू क्या होगा जो बी का कोएफिशिएंट होगा कितना है 12, और बी का वैल्यू क्या होगा जो ए का कोएफिशिएंट है 10, तो ए निकल गया 12 बी निकल गया 10, कटने वाला है तो काट दीजिए 6 दूना 12 5 दूना 10, तो क्या हो गया ए रेशियो बी 6 रेशियो 5, देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन 6 रेशियो 5, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 20 नंबर कहता है 25 पे पावर 2.5 रेशियो 5 पे पावर 3 का अनुपात निम्नलिखित में से किसके समान है, ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिएगा 25 पे पावर क्या है 2.5, पॉइंट हटाइएगा तो 1 0 50 25 5 दूना 10, और रेशियो क्या है 5 पे पावर 3 है तो 3, ठीक है, देखिए 25 पे पावर क्या हो गया 5 बटा 2, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2 पे पावर 5 डाल देते हैं, ठीक है, देखिए सबसे ऊपर में 5 5 एकम 5 तो 5 बटा 2 तो 25 पे पावर 5 बटा 2 हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है, रेशियो 5 का क्यूब। अब देखिए ये जो है 25 पे पावर 1 बाय 2, 1 बाय 2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है 25, ठीक है, 25 इसको अगर 25 को हम लोग हटाएंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं 25 पे पावर 1 बाय
टू इस प्रकार से, ठीक है। तो 25 1 बाई टू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 25, तो रूट 25 लिखेंगे। रूट 25 पे पावर क्या है, 5 रेशियो 5 का क्यूब, तो रूट अंडर 25 का मान 5, 5 पे पावर हो जाएगा 5 रेशियो 5 पे पावर 3। तो देखिए यहाँ 3 गो है और यहाँ पे 5 गो है, तो 5 गो में से 3 गो निकल जाएगा तो क्या गो बचेगा, 2 गो, तो 2 गो कर दिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और रेशियो यहाँ पे तो बच जाएगा 1 क्योंकि ये तो कट गया ना, तो 1, तो 25 रेशियो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। या फिर आप नहीं समझ में आया यहाँ पे तो आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ, ठीक है, कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 था ना, तो 5 को 5 लिख सकते हैं ना, 5 गुना में 5 गुना में 5, 3 गो ये 4 गो ये 5 गो, 25 था 5 पर, 5 पे पावर 25 5 था तो 5 को 5 बार लिख दिए, और 5 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 5 गुना में 5, देखिए ये 5 से ये 5, ये 5 ये 5 और एक 5 से ये 5, तो 50 25 रेशियो एक, इधर कुछ नहीं है सब कट गया तो क्या बचा, 1, तो 1 25 रेशियो 1, यही चीज है, ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 21 नंबर देखिए क्या है, यदि 3x माइनस 2y रेशियो x प्लस 3y बराबर 5 रेशियो 6 हो तो x और y का मान बताना है, ठीक है। तो देखिएगा 21 नंबर क्या है, 3x माइनस 2y बट्टा में क्या कर देंगे, x प्लस 3y बराबर 5 बाई 6, बराबर में तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो क्रॉस गुना करके क्या हो जाएगा, 6 3 18 x माइनस में 6 दुना 12 y बराबर 5x प्लस में 15 y। देखिए y को एक साइड और x को एक साइड, तो 18x और 18x और माइनस में आ जाएगा इधर 5x बराबर 15 y, माइनस में 12 y इधर आएगा तो प्लस में 12 y, 18 में से 5 जाएगा तो 13x बराबर 15 और 2 17 10 27 y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट है कितना है 27, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा जो x का कोफिशिएंट है 13, यानी कि क्या हो जाएगा 27 रेशियो 13, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 27 बट्टा 13, देखिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखिए 22 नंबर क्या कहता है, यदि 5a प्लस 3b रेशियो 4a प्लस 7b बराबर 3 रेशियो 4 हो तो a रेशियो b क्या होगा, सेम प्रश्न है, 5a प्लस 3b बट्टा में कर दीजिए क्या, 4a प्लस 7b बराबर 3 बाई 4, बराबर में है तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 4 5 चौका 20 a प्लस में 4 3 12 b, ठीक है, फिर बराबर में 4 3 12 a प्लस 7 3 21 बी, ठीक है। अब देखिए 20 में से 12 घटेगा, देखिए 20 ए है 12 इधर आएगा तो घटेगा, तो 20 में से 12 घटेगा तो 8 ए बराबर 21 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, 21 9 होता है 27, 9 बी, ए का क्या हो जाएगा वैल्यू, जो बी का कोफिशियंट है 9 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा जो ए का कोफिशियंट है 8, तो क्या हो जाएगा रेशियो 9 रेशियो 8, देखिए ऑप्शन में एक नंबर ऑप्शन, ठीक है।